हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। देखिए, 11 रुपए का ये शेयर है और फ्राइडे को यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। काफी बड़ी नहीं, लेकिन हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर थी। फ्यूचर एंटरप्राइज हम सब जानते हैं इसको बिग बाजार के नाम से। बिग बाजार बहुत बड़ा नाम है ये, अगर हम बात करने जाए एज अ ब्रांड के तौर पर। लेकिन हालत बहुत बुरी है बिग बाजार की भी, क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि भैया इनको बेचना पड़ा ही पड़ा। और इन्हीं सारी चीजों के चलते अगर हम अभी की हालत को देखें तो उतनी अच्छी इनकी हालत नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो खबर आई थी वो ये भी थी कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल है उसने इसको अक्वायर कर लिया है, और उसके बाद अमेजोन और रिलायंस में एक बड़ी टक्कर भी हमें देखने को मिली, क्योंकि अमेजोन का भी बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूचर ग्रुप में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि आखिर फ्यूचर एंटरप्राइज में खरीदारी करना क्या एक सही डिसीजन होगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी नहीं की है उनको यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज। 11 रुपए 25 पैसे का शेयर है और पिछले एक महीने का अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो 22% का ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए, 9 रुपए का लो है और 11 रुपए का हाई है, और अभी अगर हम देखें तो अपने हाई के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। एक साल में 46% की गिरावट है। देखिये, पेंडेमिक से पहले भी अगर हम देखें तो अभी अगर हम देखें जाए तो ये वो शेयर है जो ऑपरेटर की रडार में है। ऑपरेटर काफी बड़ा गेम यहाँ पर खेलते हैं, इसको ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। पेंडेमिक से पहले अगर हम देखें तो 25 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, गिरावट आई और शेयर 7 रुपए तक टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। 3 साल में देखें तो फ्यूचर एंटरप्राइज में पिछले 3 साल में 77% की गिरावट है और 50 रुपए से शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है। लेकिन अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में हालत उलट है। आप देख सकते हैं कि 375 रुपए तक भी यह शेयर ट्रेड कर चुका है। 375 रुपए तक गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, उसके बाद अगर हम देखें तो भैया कंटिन्यूअसली यहां पर गिरावट है, गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर ऊपर उठ ही नहीं पाया है। छोटा सा शेयर है ये, 511 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भी बहुत कम है, 7 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया प्रमोटर, एफआईएस, म्यूचुअल फंड तीनों ने बिकवाली की है और काफी बड़ी बिकवाली हुई है अगर हम परसेंटेज वाइज काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो पहले जून क्वार्टर में 50.11% की होल्डिंग थी, आज 43.29% की होल्डिंग है। FIS के पास जो पहले 1.17% की होल्डिंग थी, आज वो 0.49% की होल्डिंग, मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। म्यूचुअल फंड का भी वही हाल है, 1.05% की होल्डिंग 0.50% है, मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग इन्होंने भी बेच दी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ा भरोसा यहाँ पर जताया है, 0.58% की होल्डिंग 1.60% हुई है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत 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 बड़ा भरोसा यहाँ पर जताया है और 2 गुना से भी ज्यादा खरीदारी यहाँ पर उन्होंने की है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर की हालत यह है कि भैया 85% की होल्डिंग तो प्रमोटर के यहाँ पर गिरवी हो चुकी है, तो हालत उतनी अच्छी नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड है, काफी बड़ा नाम है ये, 12.95% की होल्डिंग है उनकी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 24.95% के आसपास है। 2017 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इन्होंने पे अभी तक नहीं किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी शानदार है, तेजी के संकेत है। और सबसे बुरी यहाँ पर बात यह है कि पिछले 3 क्वार्टर से ये कंपनी बड़े नुकसान में है। 2020 इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ है, कोरोना ने इनकी कमर तोड़ दी है और इनका जो बिजनेस था वो भी काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। और दूसरी बात, कोरोना की वजह से बिजनेस तो अफेक्ट हो ही गया, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा था कि बाद में ये लोग उससे बाहर उभर नहीं पाए। मार्च 2020 में तकरीबन 400 करोड़ का नुकसान हुआ, जून 2020 में 334 करोड़ का नुकसान हुआ, सितंबर 2020 में 327 करोड़ का नुकसान हुआ। तो लॉसेस बहुत बड़े हैं ये, और काफी बड़े लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिले भी हैं।
और प्रॉफिट कुछ नहीं। आप खुद सोचिए कि इनकम हुई 250 करोड़ की और नुकसान हुआ 327 करोड़ का। तो ये डेफिनेटली एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कहा जाएगा। 304 करोड़ की इनकम हुई जून में और 334 करोड़ का नुकसान। जितनी इनकम नहीं है उससे कई ज्यादा बड़ा यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। और सबसे बुरी यहाँ पर बात यह है कि इनकम अभी भी बहुत कम है। आप देखिए पिछले साल ये 1700 करोड़ की इनकम हुआ करती थी, आज वो 250 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है और यही एक वजह है कि शेयर लगातार टूट रहा है। और बीच में डेफिनेटली लोगों को उम्मीद थी कि भैया रिलायंस के अंडर में जाने के बाद ही दोबारा हमें तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी वजह भी साफ साफ है यहाँ पर, क्योंकि बाद में मामला जो था वो फंस गया। अमेजोन ने भैया केस कर दिया इनके ऊपर कि आप हमसे पूछे बिना आप किसी और को अभी ये कंपनी बेच नहीं सकते हैं। अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी जो कुछ रिपोर्ट्स भी आई है वो रिलायंस के फेवर में है। और अगेन इस डील से जो सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा वो रिलायंस को होगा, फ्यूचर एंटरप्राइज का या फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है, और रिलायंस के द्वारा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया भी था कि वो फ्यूचर ग्रुप का जो ब्रांड नेम है उसी को आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगे, उसको चेंज करने की या फिर उसको बंद करने का उनका कोई प्लान नहीं है। तो बिग बाजार अगर रिलायंस खरीदता है तो वो उनके अंदर में बिग बाजार के नाम से ही चलता रहेगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो भी उसी नाम से यहाँ पर चलती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। फ्यूचर एंटरप्राइज में आने वाले दिनों में काफी ज्यादा इक्विटी डंप होने के चांसेस है, क्योंकि जो रिलायंस का प्लान है वो ये है कि फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का मर्जर करने का प्लान है। और जिनके पास बाकी कंपनियों के शेयर होंगे, जैसे कि फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर अगर आपके पास होंगे तो उसके बदले में आपको फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर दे दिए जाएंगे, और एक ही कंपनी होगी फ्यूचर एंटरप्राइज, बाकी सारी कंपनियों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो जब इतने सारे शेयर्स आएंगे मार्केट में तो भैया एक बहुत बड़ी इक्विटी डंप होगी जो कहीं ना कहीं इस शेयर को तोड़ने का कभी काम करेगी फ्यूचर में। लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आएगा। ऑपरेटर की रडार में ये शेयर काफी हद तक पहुंच चुका है, जिसको ये लोग अपने हिसाब से ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि फ्यूचर एंटरप्राइज मुझे लगता है कि देखो बर्बाद होने वाली कंपनी ये नहीं लग रही है मुझे, चाहे रिलायंस चलाए या अमेजोन चलाए, बर्बाद होने वाली तो ये कंपनी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर में बहुत ज्यादा रहेगी ये कंपनी, तो अगर आपको यहाँ पर निवेश करना भी है तो छोटा सा निवेश अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, 2-3 साल के लिहाज से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। शायद कुछ अच्छा यहाँ से अगर निकल जाता है तो बहुत बड़े चांसेस है कि ये शेयर एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। तो अगर आप चाहें तो एक छोटा सा निवेश, अगेन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, एक छोटा सा ही निवेश यहाँ पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़े निवेश की भी सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी, छोटा सा ही निवेश चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत बड़ा निवेश करने से बचे। और हाँ उतना ही निवेश करें जितना अगर पैसा कुछ वक्त के लिए ब्लॉक हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, या फिर फंस जाए तो आपको उतनी ज्यादा दिक्कत ना हो, उतना छोटा निवेश अगर आप यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर चांसेस है कि कुछ निकल आए। देखिए बिग बाजार डूबने वाली चीज नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलायंस भी चाहेगा कि उसको कैश इन कर पाए, और जो रिटेल में सबसे नंबर वन बनने का ख्वाब है उनका उसको वो पूरा कर पाए। तो फ्यूचर एंटरप्राइज जरूर आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ बड़ा चमत्कार यहाँ पर हो सकता है, और पर्दे के पीछे क्या होने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता है। लेकिन डेफिनेटली रिलायंस भी चाहेगी कि फ्यूचर एंटरप्राइज को फिर से जिंदा जिंदा किया जा सके, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी को अपने हाथ में लिया जा सके। और जो फैसला है वो लगता है कि रिलायंस के अंडर में ज्यादा आएगा कंपेयर टू अमेजोन। तो ओवरऑल छोटा सा निवेश कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी की है वो बने रहे। ऑपरेटर्स डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे ही सिचुएशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है कि ये शेयर ऑपरेटर के हाथों से भी निकल जाएगा। फिर बाद में वो डेफिनेटली अपने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही ट्रेड करेगा, अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो। अगर अच्छी नहीं होती है, बुरी सिचुएशन रहती है, तो दोबारा अगर ये पेनी स्टॉक बनता है तब तो फिर ऑपरेटर ही यहाँ पर खेलते रहेंगे और लोगों को खिलाते रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, लेकिन चांसेस है कि शेयर एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में। तो इसीलिए छोटा सा निवेश अगर आप चाहे तो करें, लेकिन अगेन सलाह होगी एक बहुत बड़ा निवेश मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि 10-20 हजार शेयर में खरीद लो,
ऐसी गलती मत करो, छोटा सा निवेश चाहो तो कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हो, और फ्यूचर ग्रुप की ये जो कंपनियां हैं और रिलायंस का जो एक्विजिशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।